आर पायान एंड कबाओ ब्रदर्स। अरे देखो वो लोग आ गए, उन्होंने मेरा सामान बचा लिया। ये सामान बचाकर कितनी खुशी हो रही है ना परमान। हाँ सही कहा, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो शुरू होने वाला है। अरे सुनो परमान, सुनो परमान, बहुत अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं तो मिच्छू से कहने ही वाला था कि तुम्हें बुलाए। क्या हुआ, मुझसे कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, हमने अपने घर पर एक बड़ी सेल रखी है, तुम हमारी मदद करोगे ना? मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, पर मुझे ना मित्सो के साथ फिल्म देखने जाना है, इसीलिए तो मैं नहीं आ सकता। दरअसल आज रात मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। प्लीज मना मत करो परमान। यकीन मानो नहीं आ पाऊंगा। अरे मैं ये काम मुफ्त में नहीं करवाऊंगा, मैं अपने साथ साथ साबू का जेब खर्च भी तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? अब तो चलोगे? तुमने मेरे जेब खर्चे की बात क्यों कही, उसे तुम्हारा क्या लेना देना? चुप रहो। प्लीज परमान, तुम इसे पार्ट टाइम जॉब समझकर ही कर दो। वो जरा सुनो, क्या ये तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब मैं कर सकता हूँ? तुम करोगे? हाँ हाँ, तुम कर लोगे ना? अरे हाँ हाँ, पार्ट टाइम जॉब ही तो मेरा असली काम है। तब तो बहुत अच्छा रहेगा। लगता है आरसी कही के खुद काम नहीं करना इसलिए परमान को फंसा रहे हो। नहीं पापा, मैं तो बस फिल्म देखने जाना चाहता था। चुप रहो। सुनिए तो मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट सुन भी लीजिए अंकल, मैंने ही कबाओ से ये पार्ट टाइम जॉब मुझे देने के लिए कहा था, मान भी लीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो पायान, क्या सचमुच तुमने ऐसा ही कहा था? हाँ हाँ सचमुच। यकीन नहीं हो रहा परमान होकर तुमने ऐसा कहा। जी अंकल ये बिल्कुल सच है। अगर तुम सब यही कह रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें पार्ट टाइम जॉब के लिए रख लेता हूँ। अरे मुझे बहुत शर्म आएगी कि मेरा बेटा आपको पैसे देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, पर तुम थोड़े पैसे में भी काम करोगे ना? मेरे पास दूसरा रास्ता ही क्या है। वैसे अंकल मेरा वेतन कितना होगा इसका फैसला आप ही कीजिए। हाँ मैं फैसला कर लूंगा, ठीक है? अब तुम जल्दी से काम पर लग जाओ, और अब तुम सुनो, यहाँ से दफा हो जाओ। आ जा रहे हैं, चलो साबू, चलो साबू, चलो। कब आओ? रुको, वापस आकर अपने पापा की मदद करो। ठीक है, लेकिन अब तो मैं चला। चलो अब तो मैं आराम से फिल्म देखने जा सकता हूँ। अरे अब इस वक्त कौन होगा जो मुझे बुलाएगा? मैं पाकू बोल रही हूँ, हाईवे की सड़क नंबर 4 पर एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आओ। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम बूबी को बुला लो ना। क्या कह रहे हो बूबी, तुम्हें भी कुछ जरूरी काम है? प्लीज तुम जल्दी आओ, मैं ज्यादा देर तक अकेले नहीं संभाल सकती, समझे? हाँ समझ गया। सुनो मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। लेकिन मुझे करना क्या है? कुछ नहीं, बस किसी को फिल्म के बारे में मत बताना, ये लो। अच्छा चलो शुक्र है काम जल्दी खत्म हो गया, शायद अब मैं फिल्म शुरू होने से पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। मुझे फिल्म जल्दी देखनी है। मजा आएगा ना मित्सुओ। अरे मित्सुओ तुम वहाँ क्या देख रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे मित्सुओ। अरे परमान, चलो चलो जल्दी से अंदर जाकर सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन परमान तो तुम्हें बुला रहा है। नहीं नहीं, वो तो मुझे हमेशा ऐसे ही बुलाता रहता है। देखो देखो सब लोग अंदर जा रहे हैं। हा? चलो चलो चलते हैं, चलो ना, चलो। मैं पहले जाऊंगा। रोबोट के बच्चे मेरी जगह तुम खुद चले गए, लगता है उसे भी फिल्म देखनी थी, मैं तो यही बाहर रह गया। अरे ये क्या सेल के पर्चे, ये क्या परमान की शक्ति से कटे हुए फल सब्जियों की सेल? पायान वो रोबोट भी ना। उड़ाओ उड़ाओ और मजाक उड़ाओ, इतना गुस्सा क्यों होते हो, ये सब तो होता ही रहता है। अच्छा मुझे अभी काम है, मैं जा रहा हूँ। आप सबको 20-30% तक का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी मनपसंद फल सब्जियाँ चुननी होंगी। हुआ।
बस देखिए, देखते जाइए, बस देखते जाइए। जी हाँ, मेरी शक्ति से कटे हुए फल और सब्जियाँ अपने पति और बच्चों को खिलाना, वो जल्द ही बड़े हो जाएंगे। मुझे कद्दू चाहिए, मुझे मूली देना, मुझे भी दे देना। तुम्हारे पहले ही जल्दी माफ करना, सब बिक गया, सब कुछ बिक गया, अब मैं क्या करूँगी? जरूर आइएगा। सेल तो जबरदस्त रही है ना? हाँ, पहली बार इतनी ज्यादा सेल हुई है। सब सामान बिक गया तो मैं और ज्यादा सामान का ऑर्डर दे आता हूँ। शाबाश, तुम बहुत होशियार हो। ठीक है, जाओ। ठीक है, ये मैं चला। ये पायान तो वाकई कमाल है। हाँ वाकई, हम इसे हमेशा के लिए यही रुकने के लिए कहेंगे, क्यों? ठीक है ना? नहीं, मुझे इससे भी एक बेहतर आइडिया सूझा है। कबाब फिल्म मजेदार थी ना? बहुत अच्छी थी फिल्म। शुक्रिया। अरे लगता है हम लेट हो गए। फिर आइएगा। पापा, मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, डिनर के वक्त आ जाना, ठीक है? चलो साबू। बातें मजा आ गया। फिल्म तो मुझे भी देखनी थी। ये रोबोट कितना चालाक है, अब तो घर भी गया होगा। जाकर देखता हूँ क्या कर रहा है। कहाँ रोबोट? अरे ये तो सो रहा है। कितने मजे लेके सो रहा है। उठा। बहुत मजा आया, क्या फाइटिंग की है। नींद में भी मजे लूट रहा है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता, जाओ। मैं आ गया। तुम यहाँ बैठकर खाना खा रहे हो? बयान, ये मेरी सीट है, उठो यहाँ से। मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, उठने की जरूरत नहीं है बयान। कहो, क्या बड़े भाई से इस तरह बदतमीजी से बात की जाती है? क्या बड़ा भाई? आप मेरे बारे में कह रहे हैं? सही समझे पायान, आज से तुम मेरे बड़े बेटे जैसे बनकर रहोगे। क्या कह रहे हैं? मुझे पायान जैसा मेहनती और समझदार बेटा ही चाहिए। ये ठीक रहेगा कबाओ के पापा, हम पायान को गोद ले लेते हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। आप भी होशियार हैं कबाओ के पापा। तो अब मेरा क्या होगा? अरे होना क्या है, तुम्हें अपना कमरा अपने बड़े भाई पायान को देना होगा। लेकिन मैं कहाँ सोऊंगा? अरे तुम बरामदे में सो जाना। बयान, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? कबाओ, तुम्हें एक बड़ा भाई मिला है, तुम खुश नहीं हो? वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि आपको मुझे पैसे देने हैं। देखो, बाप और बेटे के बीच में पैसे का लेन देन अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, ये तो सरासर ज्यादती है। जेब खर्च मांगोगे तो जरूर दूंगा। चलो अब तुम खाना शुरू करो। ये कितना बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। मुझे पैसा चाहिए था और मुझे मिल गए पापा। अगर बयान वहाँ रहेगा तो मैं वहाँ नहीं रहूँगा। प्लीज कुछ करो परमैन। देखो, किसी भी तरह हमें पहले तुम्हारे पापा को संभालना होगा। अब कुछ नहीं हो सकता। अगर शुरू में ही तुम मान जाते तो ये परेशानी आती ही नहीं। मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? अच्छा अच्छा, आप समझा। ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। देखो, तुम मुझसे पैसे मांगकर खुद को हमसे दूर कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सौदा तो यही हुआ था। अच्छा चलो, ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ। चलो, अच्छा हुआ समझ गए। हाँ शायद शायद। ये तो कमाल हो गया। अरे बच्चों, इस तरफ देखो। ये क्या है? मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? देखो, ये पोशाक पहनकर मैं पायान जैसा लगता हूँ ना, इसलिए अब मैं यही पहनकर दुकान पर बैठा करूँगा।